नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और दिन गुरुवार का। आज के दिन तक के नमो घाट पर क्या कार्य चल रहा है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं नमो घाट फेज टू में भी दिखाएंगे आपको। सामने देख पा रहे हैं राजघाट पुल और इसके आगे नमो घाट, और नमो घाट से भी आगे आप जाएंगे तो नमो घाट फेज टू का निर्माण कार्य चल रहा है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं खिड़किया घाट, नमो घाट के रूप में जाना जाता है आजकल। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये सामने दिखाई देगा रविदास मंदिर, संत रविदास मंदिर राजघाट पर स्थित, और यहीं से शुरू होता है नमो घाट जो काफ़ी लंबा है। और सामने आप देखेंगे यहाँ कुछ दिन पहले सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई थी और जय हिंद लिखा हुआ स्लोगन था हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। अब वो यहाँ से हटा दी गई है क्योंकि उसको परमिशन यहाँ का नहीं था नमो घाट का। फिलहाल उसको अब यहाँ से हटाकर कहीं और ले गया। ये दृश्य आप देख रहे हैं नमो घाट से। चलिए आगे चलते हैं, नीचे की तरफ देखेंगे तो टेंट सिटी प्रवेश कंपनी, यहाँ पर नाव तैयार हो रही है। फिलहाल अभी यहीं खड़ी है क्योंकि टेंट सिटी अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक टेंट सिटी को बसाया जा रहा है। ये जगह देख रहे हैं, यहाँ कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर भारत के विभिन्न जगहों पर उनकी प्रतिमा जय हिंद लिखा हुआ स्लोगन के साथ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में ये सभी जो है जगह जगह लगाए जा रहे थे, लेकिन उसे यहाँ से अब हटा दिया गया है। चलिए इसी दृश्य के साथ हम चलते हैं जहाँ पर नमस्कार की मुद्रा है नमो घाट की प्रसिद्ध, और वहाँ पर ले जाके आपको दृश्य दिखाते हैं कि क्या अपडेट है वहाँ का, और उसके आगे चलेंगे नमो घाट फेज टू पर जहाँ सिग्नेचर ब्रिज भी बनने वाला है। फिलहाल अभी उसकी टेस्टिंग चल रही थी, जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। पानी का रंग काफ़ी नीला और साफ गंगा का जल दिखाई देता है। फिलहाल हम आ गए हैं नमो घाट, यहाँ देखेंगे तो नमो घाट के पास ही काफ़ी बड़ा भारतीय तिरंगा लहराया गया है। ये आप देखेंगे तो लाल खां का मकबरा है, वहीं परिसर में इसको लगाया गया है जो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देख रहे हैं भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ, ये लाल खां का मकबरा यहाँ पर बना है। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के अधीन लाल खां का मकबरा, और उसी परिसर में लगाया गया है भारतीय तिरंगा। ये देखेंगे जहाँ पर ओपन एयर थिएटर है उससे ये दृश्य आपको काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। ऊपर में देख जैसा देख पा रहे हैं आप भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ, यह आपको नमो घाट पर दिखाई देगा।
इस तरफ आप देख रहे हैं ओपन एयर थिएटर और सामने नमस्कार की मुद्रा और इसके ठीक सामने में बैठने के लिए दर्शकों के लिए जो व्यवस्था दी गई है सीढ़ियों के माध्यम से, वहीं आप खड़े होकर देखेंगे तो ये दृश्य आपको दिखाई देगा जो काफ़ी लुभावना दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे तो नमो घाट पर ये नया बोर्ड काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं नीचे वाले प्लेटफॉर्म से। और नीचे की तरफ देखेंगे सीएनजी गैस स्टेशन नाविकों के लिए पूरे बनारस में 80% से ज़्यादा नावें सीएनजी युक्त हो गई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रसिद्ध नमस्कार की मुद्रा का स्कल्पचर जो नमो घाट पर है। चलिए अब नमो घाट फेज टू पर ले चलते हैं आपको और वहाँ आपको दिखाते हैं क्या अपडेट है। अबे कहाँ हट गए? इधर देखेंगे तो टेक्सटाइल सम्मेलन श्री पीयूष गोयल के केंद्रीय मंत्री के द्वारा संपन्न किया जाएगा। इधर देखेंगे तो ये रैंप का निर्माण नमो घाट फेज टू के अंतर्गत। चलिए और आगे बढ़ते हुए आपको दृश्य दिखाते हैं। और इधर नए घाट का निर्माण, इधर भी नीचे साइड देखेंगे तो यहाँ भी रैंप का निर्माण। और ये नमो घाट फेज टू का दृश्य है। जगह जगह इस प्रकार के वाल खड़ा करके यहाँ पर घाट का निर्माण किया जा रहा है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ भी अभी बेस तैयार करके यहाँ भी ढलाई किया जाएगा। फिलहाल अभी इस तरफ सिर्फ ये वाल का निर्माण किया गया है और बालू के द्वारा इस दीवार की जो है फिलिंग की गई है उस साइड। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इसकी ढलाई यहाँ कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। ये देख रहे हैं यहाँ पर आगे की तरफ देखेंगे तो लोहे की रॉड बांधकर यहाँ भी ढलाई की तैयारी है। संभवतः इसी जगह 75 फीट की नमस्कार की मुद्रा स्थापित की जाएगी जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। और घाट से नीचे की तरफ देखेंगे तो फ्लोटिंग जेटी रखी हुई है जिसका उपयोग बाद में समझ में आएगा, अभी तो फिलहाल ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और सामने देख रहे हैं राजघाट पुल और इस तरफ देखेंगे तो फ्लोटिंग स्विमिंग पूल, फिलहाल वो भी अभी अपने उद्घाटन के इंतज़ार में कंप्लीट होके एक तरफ पड़ा हुआ है। गंगा का बिल्कुल शांत प्रवाह और पानी का रंग काफ़ी साफ नीला। और इधर आप देख रहे हैं ये घाट का निर्माण किस प्रकार ऊंचाई को लिए हुए है, काफ़ी ऊंचाई पर
क्योंकि बाढ़ के समय यहाँ तक पानी पहुँच जाता है। फिलहाल ये घाट काफ़ी ऊंचा बनाया जा रहा है। तरफ और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कुंड का निर्माण अभी भी जैसे का तैसा है। पिछली वीडियो में जैसा मैंने बताया था उसी प्रकार आज भी दिखाई दे रहा है। काम यहाँ पर रुका हुआ है। आज वर्कर्स यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। चलिए आगे चलते हैं आपको लेके। फिलहाल ये आप देख रहे हैं पूरा दृश्य आप देख रहे हैं नमो घाट फेज टू का। 50 करोड़ की लागत से ये फेज टू का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। फिलहाल अभी लंच टाइम है इसलिए वर्कर सब अभी लंच करने गए हैं, लेकिन काम अपनी जगह। इधर देख रहे हैं, इधर रैंप और ये पूरा स्लैब करना यहाँ पर बाकी है। और इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ सामने हम आ गए हैं शाही नाला की तरफ। और शाही नाला के आप उस तरफ देखेंगे जहाँ पर हेलीपैड का निर्माण हो रहा है। ये सामने देख रहे हैं हेलीपैड जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और घाट का निर्माण कार्य। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलीपैड का निर्माण कार्य किया जा रहा है नमो घाट फेज टू के पास। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।